अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पाइनएप्पल काटने का तरीका बताऊंगी, फ्रेश पाइनएप्पल काटने का तरीका। सबसे पहले आपने फ्रेश पाइनएप्पल को लेके उसके एंड से जो ये बिट है उसको काट के अलहदा कर लेना, और फिर इसी तरह इधर से भी काट के आप अलहदा कर लेंगे उसी तरफ से भी, ठीक है। उसके बाद अब इन्हें साइड पर कर दें। अच्छा, अब इसके आप ये साइड वाले जो हिस्से हैं आप इन्हें काटेंगे, इस तरह से आपने इसका जो साइड वाला हिस्सा है वो आपने काट देना, ठीक है। फिर आप इसको चारों तरफ से चेक कर लें, अगर कोई इसमें ब्लैक बिट रह गया, जैसे ये थोड़ा सा है, हम इसे भी काट लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा जो ब्लैक बिट था हमने उसे काट लिया। इसके बाद आप इसके गोल गोल स्लाइस कर लें। अच्छा, अगर आपको गोल गोल काटना है तो आप इस तरह से गोल गोल काट के, और अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उसके दरमियान में रख के आप इसके ये दरमियान से बिल्कुल ऐसे प्रेस करें तो इसमें होल हो जाएगा। और अगर आपको स्लाइस करने हैं तो इसका एक ये तरीका है कि आप इसके ऐसे फोर पीस काटें। इसका जो दरमियान वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है, वो आप ऐसे फोर पीस करने के बाद आप इसके जो दरमियान में ना इसको आप अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप दूसरे वाला भी काट लें, और ये इसके भी दरमियान वाला हिस्सा काट दें। ये हार्ड होता है, या अगर आपके पास गोल काटने हैं तो गोल भी काट सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये आप इसके दरमियान से अलहदा कर लें तो गोल रिंग्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इसके यूँ स्लाइस कर लें छोटे छोटे, ठीक है। से आप इस सारे पाइनएप्पल को स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रेशली पाइनएप्पल जो हमने काट के क्यूब्स में सर्व कर लिए, और ये इस तरह से बहुत ही इजीली ईटेबल होता है। अक्सर लोग जो है पाइनएप्पल लेकर नहीं आते क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आती कि इसको काटेंगे कैसे, तो ये बहुत ही आसान तरीका था काटने का। अगर आपको पसंद आया तो आप भी फ्रेश पाइनएप्पल लाएं और काट के खाएं। ये आजकल बहुत ही जूसी और मीठे पाइनएप्पल मार्केट्स में अवेलेबल है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।